चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो विप टिप 15 का। तो आप लोगों को मैं ओपन करके दिखाऊंगा और इसमें एक या दो गेम्स खेल करके आपको दिखाऊंगा जो कि हार्डकोर गेम्स हैं मोबाइल में, हाई ग्राफिक्स वाले। सो अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट, आपको दिखाता हूं मैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। वीवो वी टिम 32 मेगापिक्सल का है, 6GB रैम वेरिएंट है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम प्ले आप हमको मिलने वाला है। तो इसमें खेल के देखेंगे। इसमें तीन कैमरे भी दिए गए हैं एक फ्लैश के साथ, और सेंसर जैसे देख सकते हैं आप लोग पीछे दिया गया है। तो फटाक से हम लोग इसको इसके रैपर को हटा लेते हैं। तो इजीली हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। और हम लोग को इसके साथ मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, और मैनुअल मिल जाता है, गाइड्स मिल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो पढ़ेंगे नहीं हम। और उसके साथ हमको एक कवर मिल जाता है मोबाइल के साथ में फ्री। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अच्छा खासा कवर मिला है, सिलिकॉन का है ये, अच्छी क्वालिटी का है मेरे ख्याल से। तो उसको रख देते हैं साइड में हम लोग, और उसके बाद सीधा मोबाइल की तरफ हम लोग चलते हैं। मोबाइल के साथ हम लोगों को मिल जाता है चार्जर, और साथ में ईयरफोन भी मिले हम लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। ईयरफोन हम लोगों को साथ में दिया है वीवो वालों लोगों ने, और चार्जर भी अच्छा खासा मिल जाता है हम लोगों को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चार्जर हम चार्जर और ईयरफोन साइड में रख देते हैं, सीधा मोबाइल पर चलते हैं। तो मोबाइल का IMEI कोड ये वो दिया गया है, उसके बाद सीधा हम ओपन कर लेते हैं मोबाइल को। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ मोबाइल कुछ ऐसा दिखता है, क्लीन दिया गया कट, यहाँ पे ज्यादा कुछ किया नहीं गया, डायमंड कट नहीं दिया गया। और कैमरे देख सकते हैं आप लोग, तीन कैमरे दिए गए, एक लेंस दिया गया, एक फ्लैश दिया गया इसमें, और सेंसर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बाहर दिया गया, मतलब पीछे साइड दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रिपल कैमरा यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। तो कुछ वीवो हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते ही रहता है, तो फटाक से हम लोग ऑन कर लेंगे। तो ये फर्स्ट रिबूट था, मतलब चालू किया हम लोग ने फर्स्ट टाइम फैक्ट्री के बाद में, तो इसको हम लोग चालू होने देते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें आपको गेम्स खेल के दिखाएंगे जो कि हार्डकोर गेम्स हैं और हाई ग्राफिक गेम जो अभी चल रहे हैं। तो फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, आप फोन को सेटअप कर लेंगे फटाफट। इंग्लिश ओके, इंडिया नेक्स्ट, एग्री कर लेंगे फटाक से। तो वाईफाई की आवश्यकता अभी नहीं है। जो भी नेक्स्ट कर लेंगे। सेटिंग्स, फिंगरप्रिंट सेंसर की आवश्यकता नहीं है, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, ये अभी नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, बाद में करेंगे। सो यूज कर सकते हैं हम लोग फटाक से, एकदम सेटअप हो गया है। सो ये था अनबॉक्सिंग वीवो V15 का। तो इसमें आपको गेम्स खेल के दिखाऊंगा, हाई ग्राफिक्स गेम्स। सो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। सो अभी गेम प्ले मैं आपको करके दिखाता हूँ।
सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पबजी चालू कर देते हैं, पबजी का हम लोग खेल लेते हैं, गेम प्ले बता देते हैं, उसके ग्राफिक्स क्या हैं, और उसके बताता हूँ मैं कि हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को देखते रहिए आप, फटाफट आपको पता चल जाएगा। अभी तो लोड हो रहा है, तो थोड़े समय में लोड हो जाएगा अभी। तो गेम चालू हो गया, अभी हम लोग सेटिंग कर लेंगे, इसके ग्राफिक्स सेटिंग्स कर लेते हैं, हाई पे करेंगे। तो पहले हम लोग ओके कर लेते हैं मीडियम पे ही, फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं जो भी रिवॉर्ड है, कलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड डे का लॉगिन था ये, तो कट कर देंगे हम लोग फटाक से इसको। उसके बाद कट कर देंगे उसके बाद हम लोग फटाक से फिर जो गेम है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जो खेलना है हम लोगों को। इरेंगल खेलेंगे, पहले क्लासिक ही खेल के देखते हैं, ठीक है। क्लासिक चालू कर देंगे हम लोग, तो क्लासिक सेलेक्ट कर लिया जैसे कि हम लोगों ने ज़्यादा। फिर सर्वर एशिया कर लेते हैं, पता नहीं कैसे यूरोप हो गया था, आई थिंक पिंग की वजह से हुआ था ये। तो सेलेक्ट कर लेते हैं, चालू कर देंगे गेम प्ले हमारा फटाक से। तो लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है लोड होने में, थोड़ा समय लेगा। लोड होने के बाद चालू हो गया गेम, तो अभी मीडियम पे ही चालू हुआ है गेम। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा ग्राफिक्स क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितना हाई पे लगता है। तो अभी आगे चलेंगे, थोड़ा खेलते हैं हम लोग, उसके बाद अभी चेंज कर देते हैं ग्राफिक सेटिंग। देखा आप लोगों ने कि मीडियम पे नहीं अच्छा लग रहा था, उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, तो हम लोग हाई पे अब चालू करेंगे, ठीक है। हाई पे खेल के अब फिर से देखेंगे, वहीं से चालू करेंगे। ये इमीडिएटली हो जाता है चेंज, तो ग्राफिक्स क्वालिटी तो प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर से हम लोग चेक कर लेंगे हाई पे है या नहीं, फिर से चेक किया हम लोगों ने, तो बैलेंस पे हाई पे हम लोगों ने किया, चालू है। तो फिर देखिए मैं खेल रहा हूँ, अभी थोड़ा कमेंट्री भी करूँगा इसमें गेम में, तो गेम प्ले में थोड़ा करूँगा कमेंट्री, तो एंजॉय करिए आप लोग। तो एरोप्लेन में हम लोगों को बैठाया गया, उसके बाद जंप करेंगे आगे। देखिए हम मुझे दिखाना है ग्राफिक्स क्वालिटी, तो अनफॉलो करना बहुत ज़रूरी है लोगों को, तो फिर भी फॉलो करके रखते हैं, आगे अनफॉलो करेंगे। तो ग्राफिक सेटिंग चेंज कर देते हैं यार, बार बार ग्राफिक सेटिंग। अल्ट्रा HD अभी इसमें नहीं आया हुआ है, HDR भी इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग रियलिस्टिक। रियलिस्टिक दिखेगा, HD में कर दिए तो रियलिस्टिक देखने में थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फटाफट हम लोग फॉलो किए, अनफॉलो नहीं किया अभी, तो साथ में उतर जाते हैं जहाँ भी उतार रहे हैं। पोचिंकी में उतारने जा रहे हैं यहाँ पे, तो पोचिंकी तो भाई बहुत खतरनाक जगह है, अभी पहले बहुत क्रेज था पोचिंकी का, अब तो जॉर्ज पोल में उतरते हैं सब, नोवा में, तो सही है। तो हम लोग उतर गए हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, गन की तलाश करते हैं, गन की तलाश। माइक ऑफ कर देते हैं, माइक नहीं लाउड स्पीकर, स्पीकर कैसे, स्पीकर ऑफ कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद गन की तलाश में हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हुए, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ जमीन की जो ग्राफिक्स क्वालिटी है, टेक्सचर्स कैसे आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, रेडमी नोट 5 से रिकॉर्ड किया है, तो उतनी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरी बात मानिए, ये ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी दे रहा था, और मोबाइल अभी तक तो हीट नहीं हुआ है, थोड़े समय के बाद मैं फिर से बताऊंगा हीट हो रहा है नहीं। आप लोग देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है, रियलिस्टिक में अच्छा ही दिखता है। और ये जो 6GB रैम है और ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ा रहा है, अच्छा लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा। तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, और आगे बढ़ते हुए नीचे बैठ के हम लोग अंदर घुस जाएंगे। तो नंगा पुंगा बगल में घूम रहा था, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं, गन मिलता है तो ठीक है,
देखिए मुझे नॉकआउट कर दिया गया। हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प मी। तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे, बार बार हेल्प बोलने के बाद भी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया ठोकते हुए हम लोग को बहुत बुरी तरह से। तो फिर से मैंने दूसरा गेम चालू कर दिया और ग्राफिक्स क्वालिटी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ग्राफिक्स क्वालिटी क्या है, सब चालू है यानी रियलिस्टिक में ही चालू किया हम लोगों ने। तो ये इनेबल कर देते हैं, एंटी अलाइजिंग इनेबल कर दिया। उसके बाद HD हम लोग ग्राफिक्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं टू HD ग्राफिक्स में चेंज कर देते हैं, फिर ओके करके चालू कर देते हैं। अब फिर से हम लोग गेम प्ले करेंगे। तो कुछ सेकंड में चालू होने वाला है गेम जो कि हम, तो फिर से हम लोग का गेम चालू हो गया। हम लोग उतरेंगे एक किसी भी जगह पे हम लोग उतरेंगे, बस हमको ग्राफिक्स देखना है। तो अनफॉलो कर देते हैं हम सबको, क्योंकि सब लोग के साथ रहेंगे तो हो सकता है अच्छे से ग्राफिक्स क्वालिटी हम नहीं दिखा पाए, मतलब अलग सेपरेट होके दिखाना अच्छा होगा। तो जंप कर लेते हैं हम लोग यहीं पर, जंप कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अच्छा बहुत अच्छा दिख रहा है ये, इसके ग्राफिक्स अच्छे दिख रहे हैं हम लोगों को। यहाँ से जब मैंने रिकॉर्ड किया था बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो पैराशूट हो गया ओपन, हम लोग अब उतरेंगे। मैं रैंडम जगह पे कहीं पे भी उतर गया हूँ तो कोई बात नहीं है, कहीं भी उतर जा रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पहाड़ के ट्रैक्चर्स आपने देखे कितने अच्छे लग रहे थे, और ये यहाँ पे हम लोग ने बैग वो उठा लिया बैकपैक, और ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है ग्राफिक्स। तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग, गन की तलाश करेंगे। मैं आपको अभी यही दिखा रहा हूँ, ग्राफिक्स ही दिखा रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से वहीं पे चलेंगे जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है रियल है, रियलिस्टिक में हम लोग ने सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। तो बस और आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे पहुंचेंगे। तो फिर TDM हम लोग ने चालू कर दिया है, देखते हैं इसके भी कैसे दिखते हैं, मतलब कैसा दिखता है गोली का। देखो क्वालिटी तो देखो, मतलब गोली चलते हुए भी दिख रही है आगे जाते हुए भी, तो यही अच्छी बात है, अच्छे ग्राफिक्स होने का अच्छा लगता है मतलब खेलने में। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही बहुत जानलेवा आ रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आगे अरे भैया, और बहुत ही बुरा मतलब बहुत बुरा खेलते हुए यहाँ पे, मैं बहुत बुरा खेल रहा हूँ आज पता नहीं क्यों। अरे चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे फिर से हम लोग। एक शिकार दिख गया हम लोगों को छुपते हुए, और यहाँ पे एक को शॉट देते हुए बुरी तरह से सामने से ठोक दिया यार, बहुत लोड आउट। दिख गया फिर से एक, अरे यार तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी दिख रहा है। ये तो हो गया TDM में। तो ये था कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले, आपने जो देखा कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले हम लोगों ने खेला। तो उसके बाद हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको खेल के दिखाता हूँ, वो भी हाई ग्राफिक्स पे, आपको अच्छे मतलब वेरी हाई अगर होगा तो उसमें खेल के दिखाऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें फटाक से, और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको
ग्राफिक्स क्वालिटी इस मोबाइल पे कैसे लगी पबजी की। तो कॉल ऑफ ड्यूटी चालू हो रहा है, लोडिंग टाइम ले रहा है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी हम लोग खेल के मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसा चल रहा है, क्या ग्राफिक्स क्वालिटी पे मैं खेल रहा हूँ, और वो सब सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि मैं किस पे खेल रहा हूँ। तो रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेते हैं पहले फटाक से हम लोग, जो भी रिवॉर्ड मिला है उसके बाद इसको कट कर लेंगे। ऑफर्स नहीं चाहिए अपने को, कलेक्ट कर लेंगे जो भी कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने रिवॉर्ड। उसके बाद थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सर्वर से कनेक्ट करने में हो रहा है प्रॉब्लम। हम लोगों ने नए मोबाइल में लॉगिन किया है अपना अकाउंट, तो कस्टमाइज़ कर लेते हैं किस प्रकार से है, मतलब ले ये शूटिंग मोड कर लेते हैं हम लोग कस्टमाइज़, कन्फर्म कर देते हैं फटाक से। उसके बाद हम लोग ग्राफिक्स क्वालिटी को बढ़ा देते हैं अच्छे से, मतलब हाई ग्राफिक्स क्वालिटी कर देते हैं फटाक से, सेलेक्ट करेंगे उसमें, फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हाई ग्राफिक्स सेटिंग में कर लेंगे सेलेक्ट, तो फिर चेंजेस करते हैं, हाई कर देते हैं इसको, उसको भी हाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी सेटिंग्स है उसको हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, फिर कंटिन्यू कर कन्फर्म कर देंगे। और डेप्थ ऑफ फील्ड क्या करना है इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं, रक्ट ऑल जो भी है। तो अभी फिर से नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो रुकिए थोड़ा, वेट करने के बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड को भी, हम लोग टिक कर देते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, इंक्रीज करते हैं हम लोग, इंक्रीज नहीं मतलब इनेबल कर देते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हो चुकी है, उसके बाद हम लोग कर लेंगे कन्फर्म। ऑटो एडजस्ट जो भी है वो ऑटो एडजस्ट नहीं हो, वो सेटिंग हो चुका है। तो उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सब बैटल रॉयल चालू कर देंगे, बैटल रॉयल चालू करके हम लोग स्टार्ट कर देंगे स्क्वाड में चालू कर देंगे। एक ही मैप है इसमें, तो आइसोलेटेड हम लोग चालू कर देते हैं फटाक से। तो लोडिंग टाइम थोड़ा ले रहा है अभी, यहाँ पर फिर से नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो थोड़ा कि आप लोग देख सकते हैं गेम चालू हो गया और ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी थोड़ा लोड हो रहा है तो ग्राफिक्स क्वालिटी उतनी इंप्रूव नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से उभर के नहीं आ रही। तो अभी आ गया, उभर के आ रहा, अभी ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी दिख रही है, तो ग्राफिक्स अच्छा दिख रहा है, टेक्सचर्स भी अच्छे हैं। मोबाइल ही हटा दिया, फिर से चालू हो गया हम लोगों का बैटल रॉयल चालू हो गया। यहाँ पे लैंडिंग करना है हम लोगों को, जंप करना है। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम आप लोगों को नहीं आ रही होगी, एडिट कर दिया मैंने। तो आगे बढ़ रहे, जैसे कि जैसे प्लेन आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो हम लोग जंप कर लेंगे, सेपरेट होकर जंप करेंगे। आप लोगों को ग्राफिक्स क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो देखिए जैसे कि आप लोग देखिए ये जो ब्लर हो रहा है ना आजू बाजू का, बहुत बढ़िया लगता है, और ये सेटिंग करने के बाद ये दिखता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी उतरने दीजिए, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है मोबाइल में। अभी आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को उतने अच्छे से ना दिख रहा हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, गाड़ी पे दो तीन चाकू मारते, देखिए कैसा दिख रहा है, मतलब सही है, एकदम बढ़िया दिख रहा है एकदम। आगे बढ़ेंगे फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे, फिर घर गन भी ढूंढ लेते हैं हम लोग सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए गन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग फटाफट, तो आगे बढ़ के हम लोग ढूंढ रहे गन, तो गन मिल चुकी है M14 आई थिंक जो भी। तो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग इसको, फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा चेक करेंगे, देख रहे कितना अच्छा लग रहा है, दीवार पे मार उड़ के, मतलब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा कुछ लैग भी है, वो तो हो नहीं रहा, लैग तो नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट थोड़ा सही से चल नहीं रहा है। तो कनेक्ट हो गया फिर से नेट, वही कर रहे हैं जो ठाए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी एमओस ख़त्म हो गई, एमओ नहीं है हमारे पास, तो बुलेट्स अभी ढूंढते हैं हम लोग, बुलेट्स ढूंढने के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं शूटिंग का खेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
इसमें फिर घर में चलते हैं आगे, बुलेट्स मिल गई हम लोगों को, तो देख सकते हैं आप लोग बुलेट्स मिल गई है, तो आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, शिकार ढूंढ रहे, थोड़ा शिकार मिल रहा है, शिकार मिल रहा है तो अच्छी बात है, और बुलेट्स मिल गई हम लोगों को, तो और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। देखिए हम लोग शूटिंग कर देंगे, बस शूटिंग टेस्ट करेंगे, बस अच्छा लगता है थोड़ा टेस्ट करने में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, मतलब ओपन वर्ल्ड कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए और सामने से जाता हुआ एक बंदा सा, तो उसको छोड़ी पहले देखिए, हम सब शूटिंग पे शूटिंग किए जा रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना इम्प्रूव होके आ रहा ग्राफ। पीछे से किसी ने मारने की कोशिश की है, देखिए एक ही शॉट में हम उनको सुला देते हैं, मौत होते हुए यहाँ पे। फिर कलेक्ट कर लेंगे हम लोग पूरा सामान, उसका सामान कलेक्ट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे आगे बढ़ते हुए हमारे पास बुलेट्स नहीं है, तो और आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गेम नहीं, वन ऑफ द फेवरेट गन्स में से एक है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। स्काई देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही अच्छा स्काई बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, फुकड़ में थोड़ा यहाँ वहाँ गोलियाँ चलाएंगे, ग्रेनेड डाल के देखेंगे। तो सामने से यहाँ पे मारने की कोशिश हो रही है हम लोगों को, पर नॉट पॉसिबल, नॉट ईजी टू किल, मुझे मारना इतना आसान नहीं है इसको। हम लोग नाइफ से ही काम तमाम कर डालते हैं, हम लोग देख सकते हैं जैसा कि हम लोग, वो उसके पास गन होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। रसिया का कोई है तो आगे भाग गया था थोड़ा ये, तो उसका पीछा करेंगे हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं पीछा करते हुए हम लोग आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखिए उसको टपका दिया गया, हम लोगों ने टपका दिया, तो ये था Vivo V15 का अनबॉक्सिंग, और उसके साथ साथ मैंने आपको खेल के दिखाया कॉल ऑफ ड्यूटी, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई ग्राफिक्स पे, और साथ ही साथ मैं आपको खेल के दिखाया कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, वो भी अच्छे खासे ग्राफिक्स पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे ही आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।